रतन भैया। महक का ख्याल रखिएगा और उसे महफूज भी। बड़ी मुश्किलों से, मिन्नतों से उसे शहर और शौर्य से दूर कर पा रही हूँ। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। अरे भाभी, कसम देसी घी की, मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। और महक मेरी भी तो बेटी की तरह है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। महक, ये तेरे बस का टिकट। रतन चाचा तेरे साथ रहेंगे, तेरा ख्याल रखेंगे। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना। रब रखा। रब रखा जी। महक, मैं तेरे भले के लिए कर रही हूँ। कर मत करो चाची, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं शौर्य से बात भी नहीं करूंगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। पहले शौर्य का हक था मेरी सास पर, अब आपका है। जब चाहो कह देना, मैं सांस भी नहीं लूंगी। चलिए चाचू। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोर देख रहा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी,
तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा तुम्हारी नाक और बटन दबा दूंगा मैं उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी लेकिन मैं बता रही हूँ ना ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं अभी